अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है सभी दोस्तों का, भाइयों का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरे सभी दोस्तों का, भाइयों का रमज़ानुल मुबारक भी माशाल्लाह से अच्छा जा रहा होगा, रोज़े अच्छे जा रहे होंगे जी। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत अहम है, कबूतर के अच्छे कबूतर के पर कैसे होने चाहिए। दोस्तों, इस पर आपको मुख्तलिफ राय मिलेंगी। एक शख्स उठता है, वो आपसे कहता है कि जी ये कुलिया बहुत अच्छा है। एक शख्स उठता है, वो कहता है जी ये कुलिया बड़ा अच्छा है। एक शख्स उठता है, वो कहता है जी ये कुलिया बहुत अच्छा है। अच्छा, बड़ी हैरानकुन बात है कि आप सबकी राय आपको मुख्तलिफ मिलेगी, सबकी राय आपको मुख्तलिफ मिलेगी। लोग कहेंगे जी अगर नौवां पर लंबा होगा तो कबूतर बड़ी गहराई में जा के उड़ेगा, अगर तीनों पर बराबर होंगे तो आपको वो भी कबूतर बड़ी गहराई में जा कर मिलेगा, उड़ता हुआ मिलेगा। ठीक है जी, इसका मतलब है बाकी के पार अच्छे नहीं हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसा हर एक की राय अपनी अपनी। मैं किसी शख्स को टारगेट नहीं करता कि यार वो ऐसा कह रहा है तो वो गलत है, वो ऐसा कह रहा है तो वो गलत है। दोस्तों, इसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म की आपको राय मिलेंगी। जो मेरी राय है, मेरी राय आप सभी दोस्तों को इन सब से मुख्तलिफ मिलेगी। मेरे कुछ सवालात हैं जो मैं ऐसे लोगों से, बल्कि इख्तलाफात हैं दोस्तों, मेरे इख्तलाफात हैं, मैं करता हूँ और बहुत से लोगों को मैं अच्छा भी नहीं लगता इन सवालात की वजह से, वो मुझे बुरा भला भी समझते हैं और कहते भी हैं। लेकिन देखें, इख्तलाफ या बुरा भला वही किएगा ना दोस्तों जिसकी इज़्ज़त मेरी वजह से जो है ना वो दाव पर लग जाती है। उस शख्स ने राय दी, मैंने इख्तलाफ राय दिया, तो फिर इस चीज़ के ऊपर ना बहुत सारी बहस भी होती है। अच्छा जी, चले, सवाल ये पैदा होता है कि ये पार बहुत अच्छे हैं, नौवां लंबा, आठवां, दसवां बराबर, तो ये पार तो दोस्तों हाई फ्लायर वाले आपको बता रहे होते हैं, यही पार आपको लो फ्लायर कबूतरों में मिलते हैं, तो वो इतनी गहराई में जा के क्यों नहीं उठते। अच्छा जी, फिर तीन पार बराबर ये बहुत अच्छे हैं, ये हाई फ्लाइट्स के लिए आप बताते हैं कि ये बड़ी गहराई में जा कर उठते हैं, तो दोस्तों फिर यही पार लो फ्लाइट में भी आपको मिलेंगे, वो क्यों नहीं जाते गहराई में। और यही स्टाइल आपको दोस्तों होमर कबूतरों के अंदर, रेसर कबूतरों के अंदर भी मिलेगा, तो वो दोस्तों इतनी गहराई में जा के क्यों नहीं उठते, वो लंबा भी जाते हैं और एक सीध में चले जाते हैं। स्टार्ट में उठते हुए वो गोल गेड़े में, फिर वो अपना एक जो रुख उन्होंने पकड़ा होता है उसके मुताबिक वो चलना शुरू कर देते हैं, उड़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है जी। अच्छा, सवाल पैदा होता है कि परों में हम देखते क्या हैं। ठीक है जी, अगर हम ये भी नहीं देखते, ये भी नहीं देखते, फिर देखते क्या दोस्तों। परों की तरतीब चेक करते हैं, परों की तरतीब है जी, ये तरतीब है। ठीक है, आठवें तक। अब ये सातवां पर बहुत ही शॉर्ट है, तो ऐसा हरगिज़ भी नहीं होना चाहिए। परों में एक सीक्वेंस आना चाहिए जितना गैप आठवें से सातवें का, सातवें से छठे का आगे ये मुसलसल चलता हुआ आना चाहिए। ये गैप देखते हैं, ये अच्छा होता है। अगर परों में गैप ही ऊपर नीचे मुख्तलिफ किस्म के स्टेप बने हुए हैं तो दोस्तों इसमें फ़र्क आता है। फ़र्ज़ करें आप सीढ़ियाँ चढ़ते हुए आ रहे हैं, आपकी एक फिट की सीढ़ी है, एक फुट की सीढ़ी है, आप एक सीढ़ी आपकी डेढ़ फुट की, आपकी एक सीढ़ी दो फुट की, एक सीढ़ी आपकी एक फुट की, तो क्या दोस्तों आपको चढ़ने में दुश्वारी होगी। ठीक है, ये सवाल का जवाब मुझे आप दीजिएगा। अगर सारी सीढ़ियाँ एक से लेके सौ तक या इससे भी ज़्यादा सीढ़ियाँ, तो दोस्तों शायद आपको चढ़ने में इतना मसला ना आए जितना कि मुख्तलिफ किस्म के साइज़ों की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए आपको मसला आता। अब दूसरा सवाल ये तो होगी ना परों की तरतीब, फिर हम परों की ये शेप देखते हैं। कुछ पर होते हैं यूं गुलाई में, ठीक है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है दोस्तों। इससे फ़र्क ये पड़ता है कि जिनके पर ऊपर से गोल होते हैं उन कबूतरों के आप देख लीजिएगा मिजाज भी थोड़े ठंडे होंगे, और वो कबूतर मेजॉरिटी में स्पीड के ऊपर फ़र्क पड़ता है, वो कबूतर उड़ने में थोड़ा सा स्लो उड़ेंगे। अब जिनके पर ऊपर से नुकीले हैं उन पे क्या फ़र्क पड़ता है दोस्तों, बनिस्बत स्लो की वो थोड़े तेज़ होते हैं, जिनके पर नुकीले होते हैं वो तेज़ पर मारते हैं ज़रा, और उनके मिजाज भी आप चेक कीजिएगा, उन कबूतरों के मिजाज भी गर्म होते हैं। आप दोस्तों भाइयों के जहन में एक सवाल होगा कि आप किसी उस्ताद को बड़ा फॉलो करते हैं, वो कोई भी हैं, वो कहते हैं जी कबूतर हाथ में आया, पर देखा, उन्होंने कहा जी वाह वाह यार ये कबूतर ऐसे ऐसे उड़ेगा,
तो दोस्तों कबूतर के मिजाज को भी समझते हुए ये बात करते हैं। कबूतर हाथ में आता है, एक गर्म मिजाज का परिंदा आपके हाथ में आएगा दोस्तों, वो जान छुड़ाएगा आपसे, ठीक है। अब ठंडे मिजाज का परिंदा आपके हाथ में आएगा, वो ऐसे आप पकड़ लें उसको, थोड़ी देर बाद हाथ को खोल दें, वो दोस्तों उसका मिजाज इतना ठंडा होगा कि वो हाथ से हिलेगा ही नहीं, ठीक है। ये कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको समझने की ज़रूरत है, ठीक है। इसके अलावा फिर हम परों में, हम इसके अलावा क्या चीज़ देखते हैं, तो दोस्तों परों में हम परों की तीलियां देखते हैं। कैसी तीलियां हैं? सख्त तीलियां हैं तो वो भी अच्छा कबूतर नहीं है, लचकदार तीली होनी चाहिए। आप उसको ऐसे लचकाते हैं, वो लचक के अपनी जगह पे वापस आना चाहिए, ये बड़ी अच्छी है। और शाइनी तीली होनी चाहिए, प्रेस तीली हो, चिपटी हुई तीली हो, बड़ी अच्छी चीज़ है। इसके अलावा परों में हम क्या देखते हैं दोस्तों, परों में हम ये देखते हैं परों का गफीपन, ठीक है। कितने गफ हैं, कितना पेपर उनका बारीक है, कितना मोटा है, ये चीज़ हम देखते हैं। इसके अलावा हम परों में क्या दोस्तों, परों में इसके अलावा हम बगल देखते हैं। बगल जितनी अंदर की तरफ करवी होगी वो उतनी गफी बगल होगी उस कबूतर को हाइट में जाते हुए, और लैंडिंग के टाइम उस कबूतर को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती होगी। तो फिर इसके अलावा दोस्तों आपके जहन में सवाल ये भी पैदा होता है कि पर बेसिकली है क्या, या बुलंदी में जाती कौन सी चीज़ बुलंदी में लेके जाती है। तो दोस्तों असील मुर्गे को लड़ने पे आप लोग मजबूर नहीं करते, उसकी फितरत, उसका खून उसको मजबूर करता है। इसी तरह हाई फ्लाइट कबूतर है, लो फ्लाइट कबूतर है, होमर कबूतर है, कोई भी नस्ल का कबूतर है, तो दोस्तों ये जो पर होते हैं ये स्पोर्ट का काम करते हैं, और जो खून होता है उनका दोस्तों वो इनको उड़ने पे मजबूर करता है। अब जंगली कबूतर मेरे पास, अभी पिछले दिनों मैंने एक बच्चा पकड़ा, मैंने उसकी स्टोरी पहले भी बताई थी। अब उस कबूतर के पर ये थे, आप बिलीव करें दोस्तों, बड़े अच्छे पर का वो मालिक था। अच्छा वो क्यों नहीं जाता था जी बुलंदी में, ठीक है, वो क्यों नीचे नीचे रहता है, यहाँ से 10 दाने खाए अगली छत पे, वहाँ से दाने खाए अगली छत पे। तो दोस्तों आप लोग समझ लें कि खून जो है ये सबसे पहली चीज़ है, उसके बाद ये स्पोर्टिव चीज़ें हैं, टांगे कबूतर की ये स्पोर्टिव हैं, बाकी जितनी चीज़ें बदन है दोस्तों, बदन का बड़ा अहम रोल होता है, ये भी स्पोर्टिव होता है। तो इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको ना कुछ उड़े हुए परिंदों का शौक करवाऊँगा, और बताऊंगा भी कि ये कैसे कैसे उड़ते रहे हैं, प्रवास करते रहे हैं। अब मैंने उनको जोड़ों के लिए रोका है, या मैंने उनको आगे मज़ीद चेंज करने के लिए रोका है, तो वो कैसे उड़ते रहे, उनके परों का स्टाइल क्या है, आपके साथ मैं वो शेयर करूंगा। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों भाइयों को मिल जाया करे। तो अब शौक करवाता हूँ आपको कबूतरों का, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा दोस्तों ये शौक करें जी, ये परवाज़ी पट्टी रह चुकी है। अब ये दोस्तों जोड़ों के लिए मैंने रोकी है, अपने पास परवाज़ी बच्चे आगे बनाने के लिए। इसकी आँख का भी आप शौक कर लें, इसके परों का भी आपको दिखाऊंगा भी बताऊंगा, ये ज़रा शौक करें। इसमें क्रॉस क्या है ये भी आपको बताऊंगा दोस्तों। बटेरे कबूतर और मियाँ साहब के डफ वाले कबूतरों में से ये पट्टी बनी हुई है, और ये मिजाज की बहुत ज़्यादा गर्म है। ये कैसे उड़ती रही है, स्टार्ट में जब ये उड़ती है लंबे गेड़ों में, उड़ना है इसने लंबे लंबे गेड़ों में, उसके बाद दोस्तों इसने जैसे ही मैक्सिमम हाइट में जाना फिर ये गोल गेड़े में, ठीक है। जब ये आसमान से निकलती है उसके बाद दोस्तों, ये आसमान से निकलने के बाद तकरीबन जिसे हम अदड़ों में कहते हैं ना, दरमियान में आके ये मादा लंबा चलना शुरू हो जाती है, ठीक है। मैक्सिमम हाइट में ये गोल गेड़े में, उसके बाद ये दोस्तों नीचे आके ये लंबा चलती है। जब बिल्कुल बैठने पे आती है तो दोस्तों ये बिल्कुल गोल गेड़े में होके आराम से घर बैठ जाती है। अब दोस्तों आपने इसके परों को नोट करना है, क्रॉस मैंने आपको बता दिया, इसमें बटेरा और मियाँ साहब के डब वाले कबूतरों का क्रॉस है, यानी कि सियालकोटी और कसूरी, ये देख सकते हैं ये बच्चा उड़ा हुआ है। इसके परों का दोस्तों ये स्टाइल देखें, नौवा पर इसका लंबा, अभी जाहिर सी बात है कि ये बच्चा है अभी, तो इसके परों का अभी वो पता नहीं चलेगा आपको, लेकिन जैसे ये दस्ता साफ करेगी ये आठवां और दसवां पर जो होगा बराबर नौवा पर लंबा निकालेगी। ये आप ज़रा परों का शौक कर लें, और ये 1947 वाली जो स्टोरीज है ना उनसे बाहर आ जाएँ,
ठीक है दोस्तों, इसमें मुझे मेरा क्या फ़ायदा है मैं आपको बता रहा हूँ, या मेरा क्या नुकसान है अगर आप नहीं मेरी बात मानेंगे? मुझे इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये आप दोस्तों भाइयों के लिए मैं बता रहा हूँ कि यार आप लोग इन चीज़ों से बाहर निकलें। और हड्डी जो है दोस्तों इसकी गोल है, बिल्कुल गोल, जोड़ों में ये इतना उंगली का गैप और माइनर से हवा यानी कि क्रॉस हो जाती है इसके जोड़ों के अंदर से। ये इसके पंजे हैं दोस्तों, और फिर ये नंबर वाली रिंग आपको नज़र भी आ रही होगी। ये नहीं कि मैंने आपको सिर्फ स्टोरी सुना दी है कि ये उड़ी हुई है, तो चलो जी बात ख़त्म। ये ज़रा देख लें आप, रंग भी लगे हुए, और जो ये रिंग वाली नंबर है ये भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये देखिएगा इसका मुकम्मल कलर, इसमें बटेरे का आपको ज़्यादा एक वो झलक नज़र आ रही होगी, डब वाला ज़रा अभी इतना शो नहीं हो रहा। ये हल्के फुल्के चाप करेगी ऊपर जाके, एक दो और परिंदों का शो करवाऊँगा दोस्तों, फिर उसके बाद वीडियो को जो है इख्तिताम की तरफ लेके जाएंगे। जी दोस्तों ये अगले परिंदे का आप शौक करें जी, इसका क्रॉस भी बताऊंगा, साथ में इसका उड़ान का स्टाइल भी बताऊंगा। ये अभी भी मेरे परवाज़ है दोस्तों, इसमें गोल्डन और सियालकोटी क्रॉस है बटेरा, ठीक है जी। ये आप दोस्त भाई देख लें, इसकी परवाज़ जो है दोस्तों ज़रा स्लो है बनिस्बत उस पहली मदा के जो मैंने आपको दिखाई। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिसके पर ऊपर से नुकीले होंगे उसमें थोड़ी तेज़ी होगी, और जिसके पर ऊपर से दोस्तों गोल होते हैं ना, उसके जिसके पर गोल होते हैं उसका मिजाज भी आप देख लीजिएगा, चेक कीजिएगा। मेरी सिर्फ कही हुई बातों पे आपने वाह वाह नहीं करना, मेरी कही हुई बातों को प्रैक्टिकल करना दोस्तों, इंशाल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा। मुझे आपको बताने का क्या फ़ायदा, या आपको अपना कीमती टाइम निकाल के मुझे देखने का दोस्तों क्या फ़ायदा? आप ये देखें ज़रा, उसके पर आपने देखे, अब इसके पर देखिएगा ज़रा, ये ऊपर से दोस्तों गोल है, ये नुकीले नहीं हैं, ठीक है जी। ये चेक करें ज़रा इसके पर, और जो दोस्तों इसकी टेल है वो ये है, बिल्कुल बैलेंस में टेल। ये इसके पंजे हैं, और नंबर वाली जो रिंग है दोस्तों ये भी लगी हुई है। मैं ये नहीं कह रहा कि अपना ये बस बात कर दी और बात ख़त्म, ये इसके पंजे हैं। और दोस्तों ये इसका जो है मुकम्मल कलर है, आप देख सकते हैं, इसमें आपको गोल्डन कबूतरों की भी और सियालकोटी कबूतरों की भी झलक नज़र आएगी। सिर्फ बात कर देना और आगे निकल जाना ये काफ़ी नहीं होता, मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, एक और परिंदा दिखाऊंगा उसका भी दिखा के फिर वीडियो के अख्ताम की तरफ जाऊँगा। ये लें दोस्तों, ये भी शौक करें जी, ये भी उड़ा हुआ परिंदा, मादी है, चपड़ा क्रॉस, आगे मियाँ साहब के डब वाले कबूतर और चपड़े कबूतरों का दोस्तों ये क्रॉस है, स्लेटी पट्टी ये निकली हुई है। अच्छा दोस्तों अब बात करने का मतलब ये है कि अगर कबूतर परों के स्टाइल से ही उड़ता है कि तीन पर बराबर, नौवां लंबा, आठवां दसवां बराबर, तो दोस्तों एक कबूतर तो अपने पर चेंज करता रहता है, हर क्रीज़ के बाद दोस्तों वो अपने परों का स्टाइल चेंज करता है। अगर परों का स्टाइल चेंज करता है तो फिर अगर उस हवाले से देखा जाए जो स्टोरीज़ आपने 1947 वाली सुनी हुई हैं, तो उसके मुताबिक तो कबूतर को हर क्रीज़ के बाद अपना स्टाइल जो है उड़ान का चेंज करना चाहिए। बाज़ उकात कबूतर जो है नौवा पर लंबा कर जाता है, ठीक है जी, और बाज़ उकात कबूतर ऐसे होते हैं कि वो तीन पर बराबर कर जाते हैं। दोस्तों ये सारी बातें मैं आप लोगों के फ़ायदे के लिए बता रहा हूँ, मुझे आपको ये बताने का बार बार वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि मुझे क्या फ़ायदा अगर मैं आपको ये बिला वजह में उल्टी सीधी बातें करता जाऊँ। अब ये देखें जी, ये बहुत तेज़ी से बुलंदी में जाती है, जैसे मैंने आपको बताया कि नुकीला पारा ऊपर से तो दोस्तों उसका उसमें थोड़ी सी तेज़ी होती है, तो इसमें भी वही चीज़ है। ये देखें जी, ये इसकी दुम काफ़ी ख़राब हो गई थी दोस्तों, गंदी बारिश की वजह से हो गई थी, मैंने उखेड़ दी कि नए पार आ जाएंगे। ये ज़रा पंजे देखें इसके,
और जो इसका दोस्तों कलर है ये देखिएगा चपड़ा, और इसमें डब वाला क्रॉस है। ये लें जी, बात का हम परिंदे छोड़ते हैं दोस्तों, वो इतनी माशाल्लाह परवाजें कर जाते कि हमें अक्सर वो रोक के आगे परवाजी बच्चे लेने का बड़ा मौका मिल जाता है कि हाँ यार ये खुद माशाल्लाह बड़ा अच्छा उड़ी है, इसको हम अपने फलां फलां कबूतरों में डालते हैं तो उम्मीद है कि अच्छा रिजल्ट आएगा, और आता भी है। अच्छा दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो बड़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। और इसके अलावा दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे इसको आपने शेयर भी करना है, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन के ऊपर क्लिक करना है ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप भाइयों को मिलता रहे। मेरी आज की वीडियो का दोस्तों मतलब हरगिज़ नहीं कि मैं किसी शख्स की दिलाजारी करूँ या किसी की हौसला शिकनी करूं, सबकी राय अपनी अपनी है। जो मेरी राय थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। किसी शख्स को मेरी कोई भी बात बुरी लगी हो तो प्लीज़ मुझे अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है जी। ये माजरत दोस्तों इसलिए कि मेरा मतलब किसी शख्स की दिल आज़ारी नहीं है, मेरी राय थी, मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर कर दी। आपको अच्छी लगी आप लोग अपना लें, आपको अच्छी ना लगे आप इसको छोड़ दें, ठीक है। जो मेरा एक्सपीरियंस था मेरा तजर्बा था मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। इसके साथ ही मैं आप दोस्तों से भाइयों से सभी प्यार करने वालों से चाहूँगा इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।